जय जय सन्यासी बाबा की। कहां से हो बहन? माइक लो। सागर से। हम एक बजे नहीं, आज हम 1:30 बजे कथा में बैठ जाएंगे। कि 2 बजे बैठे हैं? 2 बजे 1:30 बजे बैठ जाएंगे। लाइट चलेगी ना संस्कार पे, लाखों लोग उस पे वो रहेंगे तो दिक्कत होगी, सबका मन खिन्न होगा। बोलो प्रश्न। डॉक्टर को दिखवाया था, दोनों पर्दों में छेद बताया, दोनों पर्दों में छेद बताया। नजदीक आओ। पर्दों में दिक्कत, कान में समस्या बनी हुई है, ऑपरेशन स्थिति है, स्वस्थ होंगे, आशीर्वाद। महाराज आपकी कृपा। और महाराज एक मकान है हमारा, उसपे मतलब हस्बैंड का नाम है, तो वो कब्जा मतलब चाचा लोगों ने कर रखा है, मिल जाएगा या नहीं? हाँ, कब तक मिल जाएगा? लेकिन बहुत ज्यादा विवाद है, चूंकि सुनाई तो बढ़िया दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। अंदर घाव बना था, एक बार पक गया था, उसी के कारण। इसके बाद में दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी है, सब लोग बांधिए। बिटिया कैसी है? ठीक है? आकड़ी हो जा, कड़ी हो जा, कड़ी हो जा, ठीक हो? खाना खा लिया तुमने? इधर आ जाओ। हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, जिनके पर्चा नहीं बन पाए आप वहां सामने सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। कल पुनः 9 बजे दरबार लगेगा, लेकिन अभी 1:30 बजे से 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, तो कथा में भी आप रह सकते हैं। पर्चा महत्वपूर्ण नहीं है, आप दरबार में बैठ गए, नियम का पालन शुरू कर दिया, मंगलवार या शनिवार की महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दी तो जाओ कृपा हो जावेगी। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए, मन ही मन 3 बार प्रश्न दोहराइए। ओम 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 बालाजी को प्रणाम कर लो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है, जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वह अगर इस उपाय को करें, लहसुन प्याज बंद कर दें, मंगलवार या शनिवार की महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार बालाजी के चरणों की पेशी करना प्रारंभ कर दें, घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें, तो सेना पहुंच जाती है, काम सफल हो जाता है। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो सब। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में शीर्ष 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से बॉडी की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोनों हाथों को मलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में जहां पीड़ा वहां स्पर्श कराओ, फिर प्रणाम करो बालाजी को।
अब भूत बाधा वाले जितने हैं मुट्ठी बांधो दोनों हाथों की। सेनापति सेनापति तुरंत दरबार में आओ, चमिता की माल लगाओ। उठा पटक करो, जितने प्रेत बाधा वाले बैठे हैं सबको माल लगाओ। कल यहां पर प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा, किसी को डरना नहीं है, बैठे रहो, डरना नहीं है। आप लोग प्रसादी पालो, 1:30 से 2:45 से कथा हम पुनः प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। सेनापति मान लगाओ प्रेतों को, चिल्लाने दो और माल लगाओ। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, मार मार के इन्हें परेशान करो। क्या नाम है? राम राम। क्या नाम है? मिश्रा जी हो? कहां के हो? जाओ, अर्जी लग गई, फिर अर्जी लगा देंगे, पर्चा बना देंगे अगली बार में पक्का तुम्हारी मौसी जी की अर्जी। दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। यहां एक डी में कैंसर वाली बैठे हैं, वो जरा आगे आ जाओ, हम तुम्हें भभूति दे दे। कैंसर वाले बैठे हैं, उनकी अर्जी तो स्वीकार हो गई। ये जो बच्ची थी ना, इसको कल बुलाएंगे। अब हमने कोशिश की बहन, फिर तुम्हारी अर्जी पता नहीं क्यों कैंसल हो गई। एक अर्जी यहाँ कैंसर वाले बैठे हैं यहाँ पर, उनको जरा आगे कर दो, उन्हें भभूति दे दें, तो कल अर्जी लगा दें। अब 1:45 पर कथा में कौन कौन आ रहा है? पक्का पक्का बोलो बागेश्वर धाम की जय श्याराम।